करने आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल पर्सनालिटी होंगे जिनका घर मैंने ढूंढ लिया। एक्सक्यूज मी, आप मेरे बगल में क्यों बैठ रहे हैं? आपको महेश पांडे जी कमर पे हाथ लगाने को बोल रही है तो मुझे झटका सा लग रहा है, दिक्कत हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वैसे 12:30 हो रहे हैं टाइम। और ये रहा मेरा नाश्ता, पूजा करके आई हूँ और मैं जा रही हूँ ब्लॉग शूट करने। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होगा क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत स्पेशल पर्सनालिटी होंगे जिनका घर मैंने ढूंढ लिया है और आज मैं उनको जाके करूँगी टप्पा। धूप बहुत बढ़िया, एक नंबर की धूप निकली है दिल्ली में आज, और उतनी तेज फर्राटेदार हवा चल रही है ठंडी ठंडी। टच होने दो, तुम बताते हो टच कहाँ हो, टच भी होना देख लेना बेटा, टच कहाँ हो रहा है देखिए, तुम पैर चेंज कर मार देंगे। ये देखिए कितना क्लोजली जा रहा है। इज्जत देखो, इज्जत देखो। मैं ना गलती से ना कुतुब मीनार वाले मेट्रो पे बैठ गई थी और मुझे जाना है हुडा सिटी सेंटर से 3 स्टेशन पहले। ग्रीन पार्क से मेट्रो चेंज कर रही हूँ मैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे एमजी रोड और यहाँ से महेश पांडे जी लेटे क्योंकि उनके भाई भी आ रहे हैं साथ में, तो शायद वो लेट है और मैं आ चुकी हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर रही थी, भूख लगी, मैंने नाश्ता करके निकली थी आप लोगों को दिखा रहा था। यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे का ट्रैवल है, उसके बाद अब मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। बोल तो रहे हैं एक्चुअली उनकी गाड़ी का कलर भी नहीं पता, सो दैट मैं यहाँ से देख लूँ। पूरे आधे घंटे लेट है महेश पांडे जी। ये रही उनकी गाड़ी उनका भी ब्लॉगिंग चालू है कैमरे में हाय इनकी भी ब्लॉगिंग चालू है, इनके कारण लेट हुआ, इनके भाई के कारण है ना। हाँ, मेरे को इन्होंने बताया, मैंने बोला था वीडियो में कि कल्याणी जी भी शायद ब्लॉग बनाते बनाते आ रहे हैं और हम दोनों का ब्लॉगिंग कैमरा टकरा गया तो वो पूरे आधे घंटे के बाद आए हैं ये। हाँ तो मैं फिलहाल गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे ले लेते हैं। हाँ, चलते हैं। मतलब हाँ। अभी आप कह रहे थे मुझे 3 बजा दिए और आप खुद ही जो है ऊपर से नीचे, मैं दिखाऊंगी मैं क्यों आई हूँ लेट। मतलब सोचिए कि आप अपने इनके ब्लॉग में देखना, मैं 10 मतलब 5 मिनट लेट हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ क्यों। ऊपर से नीचे आने में अच्छा, एक काम रेजर वैली पार्क का रास्ता सीधा इसमें मेन रोड में। कहा इनको कुछ भी नहीं आता था, गाड़ी का डी भी नहीं है ड्राइविंग का। देखिए आज आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आप गाड़ी में बैठी हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला था कि मैं गाड़ी में आपको बिठाऊंगा और रील बनाऊंगा और ये वो हाँ। है ना, लेकिन आज फाइनली जो है मेरे गाड़ी में आप बैठ गई है ना। यस हाँ। मेरे तो ट्राइपॉड भी है, ट्राइपॉड किस लिए लेके आऊंगा, ट्राइपॉड लगाऊंगी। अरे आपके लिए मैंने माइक सोचा है मैं मंगाऊंगा, ऑर्डर करूंगा आपके लिए। ओके okay. मैं एकदम स्पेशल माइक और आपको वो माइक जो आपने कभी मेरे से कहा था कि इस टाइप का माइक हो तो मजा आएगा, हैंड माइक तो ऐसे वाला, ये माइक थोड़ी है, मतलब मैं बता रही हूँ जैसे पकड़ के मतलब वो माइक रहेगा कि आप किसी का इंटरव्यू ले रही होंगी तो कॉलर में लगा रहेगा,
वो वायरलेस लिपी माइक। हाँ, लिपी माइक मंगवा रहे बैटरी वाली। मतलब वो आता है और आपके फोन में लग जाएगा, ठीक है, आईफोन में। नहीं, लेकिन मैंने रिव्यू देखा है उस माइक का जो मैं मंगाना चाहता हूँ। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन वो माइक जो है बहुत सक्सेस है, मैंने देखा है उसका। तो वो कॉलर में आप लगा लीजिए एक यहाँ पे, और जिनका इंटरव्यू लेंगी उनके कॉलर में लगा दीजिए, फिर आप इंटरव्यू लीजिए और एकदम प्रोफेशनल आप लगेंगे। और आप तो वैसे भी भैया मास कॉम कर चुकी है, तो आप इंटरव्यू करेंगे। ये आदमी कभी भी, मैं इनको अगर कोई इंटरव्यू देती हूँ, भेजती हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके भाई के शिकार कभी नहीं मेरी तारीफ करते हैं ये कि आप ऐसा बोली वैसा बोली। लेकिन हाँ, अगर मेरे अंदर कोई वैसे कमी दिख जाए फोन करके, मुझे आपसे एक प्रॉब्लम है। आपके ब्लॉग में ये चीज दिक्कत है, आपके रील में ये चीज मैंने देखा, आप जो वैसे बोली ना, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा। तो तामत कीजिए, तो जो कमी रहेगी उसको बताऊंगा, नहीं तो कमी दूर कैसे होगी। तारीफ नहीं करना था, तारीफ के कारण देखिए, मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि यार आप बहुत सुंदर है, कमाल की डांस करती है, आपके एक्सप्रेशन एकदम जहर है, ठीक है, कभी नहीं बोलते ऐसा, मैं बोलता हूँ कभी नहीं, ठीक है, आपने वीडियो में बोलता हूँ, आपने नहीं सुना कभी क्या है, झूठा। फेमस जगह आज संडे ना, हर जगह क्राउड मिलेगा, लेकिन थोड़ा कोई बात नहीं है, आजकल हर कोई रील बनाते हैं हर जगह, है ना, सब पता है। दोस्तों के साथ में, लड़की के साथ तो पहली बार आ जा रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे लड़की बोल दिया, बढ़िया है। तो आप लड़का आगे भी है, वो आप लड़का तो है नहीं, जाहिर सी बात है, वो लड़की अभी खतरनाक लड़की है भैया, मार धाड़ एक्शन करने वाली लड़की है, अगर पारा चढ़ जाएगा तो सामने। अभी चढ़ता पता मेट्रो में क्या हुआ, मैं गेट के पास खड़ी थी, तीन लड़के थे, तो बिल्कुल कंचियों का घूरे जा रहे, मैं उनके सामने जाके खड़ी हो गई। पारा चढ़ गया तो सामने मिश्रा जी है या सिंह जी है या यादव जी है या पांडे जी, कोई फर्क राइट, गलत कह रहा हूँ ना, मतलब मैं ये मिश्रा जी इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मिश्रा जी थे जो कभी आपसे टकराए थे इसलिए कह रहा हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग ऑन उस पे जाके फिर मेरा ब्लॉग वहाँ से कंटिन्यू। हाँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी चुगली कर ले हम चुगली और क्या स्पेशल आई हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए। कितने गोरे हैं आप, मैं बेस लगा के भी इतनी गोरी नहीं हो रही जितना आप वैसे गोरे हैं। अरे ये रहा महेश पांडे, मैंने इसको पकड़ लिया। हाँ। एक तो ऐसे जैकेट पे रील बन सकता है हमारा, ठीक है। हाँ। और एक इस जैकेट को अगर मैं खोल भी दूं, तो अंदर तो ये टी शर्ट है, इस पे भी बन सकता है ना। इस पे देख रहे 4K का ना सही है, और अगर मैं नॉर्मल कैमरा करूंगी ना वो एकदम बेकार है। और पता है मेरे को वॉइस का ना, जब से इन्होंने टोका ना, मैंने तब से ही ध्यान दिया वो वॉइस स्लो आती है। और उसको मैं कट करके ना एडिटिंग में, अगर उसका 100 और 200 वॉल्यूम भी करती हूँ ना, तो भी वो उतना ही रहता है। नहीं, पता क्या कर सकते हो, तो एडिटिंग के टाइम पे जो आपने बोला है उसको सेम ना बोलना कट करने की कोशिश करो। प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क, लेकिन उस पार में जो है उस पे रिजर्वेशन पार्क नहीं जाता है, दोनों पार्टनर होंगे। हो सकता है कि दोनों ये लोग पार्टनर हो, रिजर्वेशन थोड़ा अंग्रेजी नाम है। और महाराणा प्रताप हमारा, महाराणा प्रताप हमारे देश का सांग, देखिए इसके अंदर हम बना सकते हैं रील। हाँ, वाटरफॉल है क्या बोलते हैं ये, फाउंटेन हो गया। कोई नहीं, वो भी ऐसे ही है, बस वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होती है, काफी भीड़ है यहाँ पे तो, सब फैमिली वाले है ना, मतलब यहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। चलिए बताइए पहले, हम लोग कितने टाइम के बाद मिले हैं? हम लोग मिले हैं लगभग 6 महीने बाद, है 4-5 बहुत टाइम के बाद। मेरे ग्रिपर जब आपका सूट था राज भाई के साथ। हाँ, गृह प्रवेश के टाइम पे। नहीं, उसके बाद राज भाई के साथ जब आपका सूट था तब हम लोग मिले थे। गृह प्रवेश के टाइम में आप सेकंड टाइम मिले थे, पहले तो हम खेसारी जी के साथ पे मिले थे। हाँ। तो आज सेकंड टाइम मिले थे गृह प्रवेश पे, और थर्ड टाइम मिले थे राज भाई के सेट पे, और फोर्थ टाइम मिले हैं अभी हम यहाँ पे। और जो लोगों को लगता है कि मतलब
जीएफ है, ये है वो है, तो हम हमेशा नहीं मिलते रहते। मतलब एक साल से एक दूसरे को जानते हैं और हाँ। एक साल में हम टोटल चार बार चौथा अब है ना। हाँ। और ये भी मिलना तब हुआ जब हम लोग बहुत ज्यादा प्लान करके फिर फेल हो गया, फिर प्लान किया फिर फेल हो गया है ना, उसके बाद है ना। और आज देखिए ये सारी चीजों का डिस्कशन चल रहा है, मतलब ब्लॉग के रूप में आज यही सब चीजों का डिस्कशन चल रहा है। आप देखिए सुनिए, मतलब पब्लिकली जो नॉर्मल हम बात करते हैं ना बिना कैमरे में, ऑफ कैमरे में, उसी टाइप का बात हम कर रहे हैं आज। तो ये मजा आ रहा है, खूबसूरत चीज है। ये है कि माइक नहीं है, अगर माइक लगा रहता है इस पे तो और अच्छा हो सकता। हाँ, लेकिन बहुत जल्द इनका ब्लॉग बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, तो मुझे एक माइक गिफ्ट मिल रहा है। राइट राइट वाह, अच्छा है। तो बहुत जल्द इनका जो है ब्लॉग जो है वो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने इनको सजेशन दिया है और क्योंकि ये मेरे लिए इंटरव्यू भी करती है लोगों का, स्टार लोगों का चैनल के लिए, तो इनको मैं अपने तरफ से एक माइक जो है बहुत जल्द गिफ्ट कर रहा हूँ। तो फिर इनका व्लॉग भी जो है, व्लॉग का क्वालिटी जो है वो बहुत बेटर हो जाएगा, फिर देखने वालों को मजा आएगा, कोई बोर नहीं होगा। और वैसे मैं बता दूं कि जो ये हैं महेश पांडे जी, ये बहुत वैरायटी के रोल प्ले करते हैं मेरे लाइफ में। निरंजन शूट कर रहा है क्योंकि वो भी अपलोड करूंगा, और पेड़ से टकरा मत जाएगा। पीछे जो है पेड़ भी है। तो हम लोग सेक्टर 29 में रेजर वैली पार्क है, और यहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं गुड़गांव में, और इसके आसपास में ही मैं रहता हूँ। तो आज कल्याणी जी ने तो मेरा भैया देख लिया सब कुछ, मैं कहाँ रहता हूँ। अच्छा, आपका थंबनेल यही रहा करेंगे क्या? हाँ, चलिए इनको थंबनेल आप ही बनाएंगे। थंबनेल मैं बनाऊंगा। चलिए फिर आज का थंबनेल में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपका जो ये वीडियो का थंबनेल हो कुछ ऐसा हो कि महेश पांडे के एड्रेस पे, आज मैंने एड्रेस ढूंढ लिया महेश पांडे का, ऐसा कुछ। हाँ, बहुत सारे लोग मेरा एड्रेस तलाश, देख लीजिए कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं महेश पांडे, मैंने खोज निकाला महेश पांडे को, ऐसा जी। हाँ, इस पे तो मैंने रील बनाया था है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे रील बना रहे, एक रील तो बन गया, और ये इतना ज्यादा शर्मा रहे ना कि क्या ही बताऊं मैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं एक्टर नहीं हूँ ना, मैं हाँ, तो मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे एक्टिंग करवा रही है ये, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ना सर। okay, कमर पे हाथ लगाने को बोल रही है तो मुझे झटका सा लग रहा है भैया। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। ये डालूंगी मैं रिकैप में। क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, वो एक गाना है कमर तेरी लेफ्ट राइट डोले, मेरे चैनल का गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। तो उस पे हम लोग रील बना रहे थे, तो कमर पे बोल रही थी हाथ लगाइए अगर, कमर का गाना तो कमर पे रील, कमर पे हाथ लगवाऊंगी मैं। अभी हम लोग बना रहे हैं दूसरा गाना, एक नथुनिया वाला गाना है निरंजन का, कहाँ हरे लो नथुनी कहाँ हरे लो झुलनी, उस पे। हाँ। और उम्मीद है कि अच्छा बन सकता है। पांडे जी के बेटवा बुलेटवा पावे ना गाना जब किया था, तब ये चश्मा लिया था, ये दोनों चश्मा मैंने उस पे पहना था, बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों के शेड्स अच्छे लग रहे हैं ना। ये चश्मा चेंज करेगा, रील करे। हाँ कीजिए, लो एक गाना पहले सुनिए, पहले गाना ये यहाँ से। हाँ, क्या बात है, वहीं से बजा लीजिएगा। चार बज के 34 मिनट, और हम लोग कितने सारे रील्स बना चुके हैं अभी तक। हमने बहुत सारे रील बनाए हैं और बहुत बढ़िया प्लानिंग है। अभी कुछ कल्याणी जी के साथ में मेरा शूटिंग होने वाला है, और वो बहुत तगड़ा गाना है, खुद कल्याणी जी को भी वो गाना बहुत ज्यादा पसंद है, निरंजन ने गाया और श्वेता सरगम जी का गाना है, तो उस पे हम लोग शूट करेंगे, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है वो, मगही हब चैनल से, बहुत तगड़ा। सब्सक्राइब कीजिए तब तक। जो अभी इनका किया नहीं, अभी जो एक और गाना नहीं बता रहे थे, पहली बार जिंदगी में मैंने खुद से कोई गाना का मतलब वो आया, जो मैंने निरंजन को बोला कि इस तरह का ये गाना बनाओ, ये मैं पहली बार सोची कि मेरा थॉट है वो गाना, मेरी सोच है फर्स्ट टाइम। क्या किसको सोच के? मैं वो आपको सोच के ही बनाया। वो
तो मैं आपको सोच के वो गाना बनाया था। ये अपना शादी कहीं नहीं होने देंगे। मेरे को सोच के बनाया दे। मैंने ऐसा कौन सा धोखा दे दिया आपको? वो दिल टूटने वाला गाना था। तो मेरे को सोच के क्यों किया? मैं तो ये पूछ रही हूँ। अरे दिल आपने तोड़ दिया ना मेरा। कब? इनके फैन अच्छा भोजपुरी का जो गोशाला मामला था। यामिनी सिंह कल्याणी सिंह है। इनको मिस्टेक हुआ। कल्याणी जी हाँ हाँ। महेश जी आमने संग जी सॉरी कल्याणी सुंदर है ना इसलिए आमनी और कल्याणी नहीं नहीं वो लेकिन आपको जानता था वो कि हम कल्याणी में जानता हूँ इनको देखता हूँ नहीं लेकिन वो मुझे आपके वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हाँ मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं। अगर रोमांटिक गाना कोई हिंदी में हिंदी में बहुत सारे रोमांटिक गाने रोकिए 15 सेकंड का ही बनेगा या 30 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड कोई 15 सेकंड में तो वही लाइन है। ऐसे करके लूंगा ना हाथ से स्टार्ट करना है मेरे को। सुनिए ना 15 सेकंड तक वही लाइन है 30 सेकंड तक उसको रिपीट किया गया उसी लाइन को तो क्या करें 15 सेकंड ठीक है। वो रोक देंगे ना अपने आप ही ठीक है। रेडी चलिए रुक जाइए 1 सेकंड कोई नहीं ऐसे करेंगे टका कहे तो 1 2 3 मस्त हो गया डाल ले गया। हाँ हाँ अरे और क्या यही ऐसा ही डलता है। कितना शर्माता है ये आदमी कितना शर्माता है यार। कैसे आप लोगों को लगता है कि ये बंदा मेरा बंदा है? ये बंदा मेरा बंदा बन ही नहीं सकता ये शर्मिला। इससे पहले क्या हो रहा था ये रील की स्टार्टिंग हम करने जा रहे थे तो ये ना मैं इधर खड़ी हो रही ऐसे ऐसे करके कर रहे तो इनके भाई जो जिन्होंने कैमरा लिया निरंजन कहते हैं अरे उसको भी देखना है। आप मुझे गोरा गोरा बोलते रहते हैं ना कल्लू बहुत गोरा है लेकिन हाँ। उन्होंने भी मुझे बोला था तब मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना गोरा हूँ। हाँ। कल्लू ने देखा था मैं देखा कल्लू बहुत गोरा और मुझे कह रहे हैं आप बहुत गोरे हैं जी महेश जी ठीक है तो मतलब कल्लू के हिसाब से मैं कल्लू से भी ज्यादा गोरा था। आपको कहेंगे मिल्की वाइट और आप मेरा बेस है मेरा क्रायलॉन का बेस है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ कुछ खाने के लिए भूख हाँ, लगी तो भूख लगी है कुछ खाते हैं कल्याणी जी को खिलाता हूँ खाते हैं और क्या खाएंगे हम लोग वो भी देखते हैं। हाँ, okay. हाँ, और विद इन 1 to 2 वीक के अंदर आएगा हमारा वीडियो सब। हाँ, ये रहेंगी मैं रहूंगा निरंजन भी रहेगा है ना और वीडियो और आगे कंटिन्यू हम लोग काम करने और उसमें हम कुछ अलग अवतार में देखेंगे अलग और वीडियो डायरेक्टर ये खुद रहने वाली है वीडियो डायरेक्शन इनका होने वाला है ठीक है। वीडियो डायरेक्टर में प्रॉपर नाम रहेगा कोरियोग्राफर में प्रॉपर नाम रहेगा कल्याणी सिंह ठीक है। तो देखते हैं कैसा होगा उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा जी। तो क्या हुआ मैं भी कमर्शियल जाती देखिए लोग अफवाह में रहते हैं ये आदमी हरिद्वार उत्तराखंड घूम गया है मुझे छोड़ के। हाँ। अगर मैं इनकी गर्लफ्रेंड होती मुझे लेके जाता था अभी और हरिद्वार गए मतलब उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार एक ही जगह है ना। हे भगवान घूम के आए लेकिन मैं घूम के आया बट इनको नहीं बोला क्योंकि ये जाती है पूरा टीम बना के 5-6 लोग साथ में रहता है ये अकेले नहीं जाती इनके साथ में 4-5 लोग होते हैं। अभी ये लोग कहाँ मनाली रहते ना मनाली हम हरिद्वार ऋषिकेश मनाली तब बताइए और ये जाती रहती है तो मुझे लगा कि यार एक दिन का टूर था मेरा इनको कहाँ मजा आने वाला। लास्ट ट्रिप मनाली का था बस मनाली है ना। अरे खूब अब
और मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ क्या बोलूँ लड़कियों के मामले में। तो अब हम लोग मॉल से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, तो चले ठीक। कितने शरीफ है यार ये। अभी हम लोग अभी है माइनस वन में, हम लोग है अभी मेट्रोपोलिस मॉल। और बहुत अच्छी बात है कि आपके ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरी भी ब्लॉगिंग चल रही है, तो आप जो बोल रहे हैं वो मेरे में भी रिकॉर्ड हो रहा है। अरे वाह, मैं वाइट पहना होता है मजा आ जाता है ना, और फिर रील बनाते ना। और अभी तो कल्याणी जी अंदर मतलब आई ही हैं, फर्स्ट एंट्री है। देखिए हल्दीराम दिखाइए, ये है हल्दीराम। ये महेश पांडे जी का फेवरेट ब्रांड है। हाँ, ये हमेशा प्रेफरेंस देते हैं हल्दीराम को। ऐसा इसके मैं स्कैन अभी करता हूँ, तो फोटो खींचता हूँ। ये अभी हल्दीराम ओपन हो रहा है। आज कचौरी मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ, आप लोगों ने देखा अभी मेरा फेवरेट सबसे ऊपर आ गया। क्या सबका सब फेवरेट फेवरेट ऊपर आ रहा है। कल्याणी जी आप क्या खाने वाली हो, देखिए यहाँ। मैं पहले तो लगाऊंगी मैं फोन चार्ज में, तब तक हम लोग खाने पीने का लेंगे। जैसे ये स्कैनर और काश यहाँ पे पावर प्लग भी होता। सस्ता फोन निकाल दिया मेरे ब्लॉगिंग का टाइम। सस्ता नहीं है, 18,000 का फोन है ये भी। ए, मेरे मजाक मत उड़ाना इसमें। देखिए पाव भाजी अवेलेबल है, अवेलेबल है BO से आओ। बी से पाओ पाओ। बताइए दोनों भाइयों की लड़ाई देखो। हाँ चलिए, मैंने ऑर्डर कर दिया है इनके लिए गुड़ रस मलाई। हाँ, इसके लिए पाव भाजी, और मेरे लिए ग्रिल्ड सैंडविच और मिनरल वाटर। हर चीज़ में इतने ज़्यादा डाइटिशियन बनते हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके लिए रस मलाई, अपने लिए पाव भाजी, कहते तू खाली मिनरल वाटर पी के रह जा। अब मैं क्या करूँ, मैं थोड़े तेल मसाले नहीं खाता हूँ। अभी जो डिस्कस चल रहा था ना नेचुरल, बड़ा कमाल का था, लेकिन वो रिकॉर्ड भूल नहीं पाया, क्या बताऊँ। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैमरा बंद नहीं करूँ, मेरे आँख में ही आ रहा है, मैं ही दिख। हाँ अभी ठीक। समस्या इनके साथ में। मारा मोरी का रेंजर का आ गया पाव भाजी, इनका ये पाव भाजी आ गया, मेरा आ गया सस्ता वाला। सस्ता वाला मैं तेल वेल का मतलब तेल वेल जो है ना बहुत कम खाता हूँ, मैं नहीं खाता इसमें। इसमें थोड़ा सा भी तेल वेल कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी तेल नहीं है इसमें। देखिए थोड़ा सा भी कहीं भी थोड़ा सा भी चिकनाहट नहीं दिखेगा आपको, तो मैं तेल वेल से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आपका ये मेरे से ज्यादा फिट है। मैं एकदम स्लिम ट्रिम रहता हूँ, मैं फिट रहने में यकीन रखता हूँ। हाँ तो ये है कि मैं थोड़ा खाता भी कम हूँ, ये ज्यादा खाता है। मैं वैसे तेल वेल वाला चीज नहीं खाता। तो हमारा खाना हो गया खत्म, और अब हम यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ अभी बस इस जगह को अलविदा कहने वाले हैं, और फिर कल्याणी जी को मैं जाऊँगा, और कहीं घूमना आज के लिए इतना काफी। थोड़ा पार्किंग घुमा देते हैं पार्किंग, तो इनको इनको पहले मेट्रो में बैठाएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ से, है ना। चलते हैं फिर, चलो पेट भारी हो गया है। एडवांस में पेमेंट होता है खाना। पर हल्दीराम ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर सेल्फ सर्विस है, जहाँ पर आपको खुद से कितना भी VIP आदमी आपको खुद से जाकर के खाना लेना पड़ेगा काउंटर पे। और क्या कह रहे थे, पूछ लो कि हम जा रहे हैं, पीछे से आकर कॉलर पकड़ लो। सही है।
अच्छा, दो साल छोटे हैं, पता है मुझे सब। छोटा तो वैसे 7 साल का होते है। अरे कह रहे पुल लिखा हुआ। बाय। अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे ऐसे ही किसी। आप तिरंगा रंग खाइएगा क्यों? आप खाएंगे क्या? मिलता होगा तो खाएंगे क्या? तिरंगा हमारे गांव में पहले मिला करता था। हाँ, जब मैं गांव में रहा करता था। हाँ। तो तिरंगा का नाम भूल गया था। अभी इसने बोला तिरंगा खाइएगा क्या? हम लोग भूल गए और इनको याद है। बहुत सारे लड़कियां होती जैसे अब आदत हो आपका फूकने का, खाना वाला खाने के बाद। हाँ जी, आपको लगता है इसका आदत है हमको? गंजेड़ी आप? हाँ नहीं, देखिए 99% लगता। खाई तो मेरी कसम, सर पे हाथ रख के पहली बार मिले हैं, हमको बदनाम कर रही है क्या? आप लोग जानने लग गए तो लोग उसको उसी नजरिए से देखेंगे ना। कोई अच्छा आपके जैसा लड़का थोड़ी ना उसको डेट कर सकता है या काम पे बुला सकता है। आप उसको घर पे बुला के बना सकते नहीं ना, तो वो अपनी कैटेगरी अपनी लाइन चूज करेगी, है ना। हाँ थोड़ा पीसफुल है अभी, इसने में ना भसड़ हो जाती है वहाँ पे रोहिणी में, जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ। आप 13-14 मॉल है, ये तो कोई आपको छोटा सा मॉल में लेके गए हम। एमबीएस मॉल करीब है। हाँ एमबीएस में शॉपिंग किया है मैंने, है ना। हाँ मतलब देसी का मैं हवा जाता हूँ। देखो 7:45 कितना होता है, मतलब 6:45। 6:45 हो रहा है, और आप इसको 6:45 भी कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में बोलना है। हाँ और मेरे को आ गया नहीं, तभी तो हम तीनों आएंगे। तो अब ये पहली बार जा रहे हो किधर गए? किधर गए? पहली बार जा रहे हो ना, भीड़ देखना। अरे लेडीजों की संख्या कम है। हाँ तो इसी से पता चलता है कितनी कम है ना। हाँ अपने ब्लॉग का एंड नहीं करेंगे क्या आप? देखिए मेरे को बड़ा ज्ञान देते है, इनको ये नहीं पता ब्लॉग भी एंड करना है। माय नेक्स्ट ब्लॉग हम बहुत जल्दी शूट करेंगे, क्या तो किसी सेट पे या अपने सेट पे या मुझे आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं, ब्लॉग है ना। हाँ ठीक है, बाय। और यहाँ पे भी बाय। मैं ये ब्लॉग एक बार मेरे जितने दर्शक हैं सबको कैसे करूँ? चलिए आप लोगों के लिए ना आपको। अब आप इधर से भी बोल दो बाय सबको। बाय बाय। और थैंक यू सो मच आपको इतना सपोर्ट करने के लिए और आई। मैं भी आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप मतलब हमारे मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे स्पेशली उतने दूर से आप चल के आई, ठीक है। तो अपने अपने दिलो दिमाग में इतना जगह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आगे हम लोग अभी और अच्छा बहुत जल्दी मिलेंगे। वैसे हम सिर्फ काम के लिए एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग वैसे भी करते हैं जनरली पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बाय 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 बाय। मैं ये ब्लॉग घर जाके एंड करूंगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 18, अपने घर की तरफ जा रही हूँ मैं। ये मेरा पिल्लू। मम्मी हाँ बोलो ना। 18 पहुंच गए, जा रहे घर बाबू के साथ में। पहुंच के फोन करते हैं।